रहे हैं क्राइम स्टोरी। पिछले दिनों कश्मीर में सेना पर सरकार द्वारा FIR किए जाने के विरोध में आज राजधानी देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते आज सेना पर केस करने से उनका मनोबल कम होता है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीमा पर सेना के जवान देश की रक्षा के लिए बलिदान दे रहे हैं, वहीं उन पर मुकदमे करना मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि ये तो पूरी उत्तराखंड और पूरी देश का ये आज जो सवाल है कि 56 इंच का सीना बताने वाली केंद्र सरकार, जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं वहाँ बैठे हुए, आज उन्होंने ही हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, आज उन पे ही मुकदमा कायम कर रही है। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो हमारे ही सुरक्षा करने वाले सैनिकों की रक्षा नहीं कर पाते। हमारे केंद्र सरकार की जो गलत नीति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब फेल हुई है। मैं तो कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसी केंद्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए जो हमारी रक्षा करने वाले हमारे भाइयों के लिए आज इतना बड़ा कदम वो उठाया उन्होंने और जो कि उनके ऊपर मुकदमा। देवभूमि उत्तराखंड की फिजाओं में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। आलम यह हो चला है कि देहरादून शहर सबसे प्रदूषित शहरों में 5वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस इंडिया की ओर से जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पर्यावरणविद अनिल जोशी का कहना है कि हम सभी को जल्द से जल्द पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा, साथ ही पर्यावरण बचाने के लिए काम करना होगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है ये, और कहीं ना कहीं मेरा प्रश्न अपने आप से भी है कि मैं और मेरे बहुत से लोग जो पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, हम कितना दबाव बना पाए। मेरा प्रश्न ये अपने लिए भी है क्योंकि मैं विक्टिम भी हूँ, मैं भी तो उस प्रदूषण से ही गुजर रहा आ जा रहा हूँ। सरकार को निश्चित रूप से इस पे गंभीरता से बैठक करनी चाहिए और वो रास्ते तैयार करने चाहिए कि कल ये पहले नंबर पर न पहुंच जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में आज एक अनूठी पहल घोषित करते हुए बताया कि इस प्रकार सड़क दुर्घटना में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते ज्यादातर चोटिल व्यक्ति मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है। उसी सबको रोकने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में पॉली ड्रामा सुविधा मैक्स हॉस्पिटल में लॉन्च की गई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में ही डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन करने की सभी सुविधाएं मौके पर मिलने से दुर्घटनाग्रस्त को मृत्यु से बचाया जा सकेगा। इलाज पर होने वाले खर्च के विषय में बोलते हुए उन्होंने बताया कि लेट्स एमडी कंपनी के साथ हॉस्पिटल का टाई अप होने के कारण कंपनी पीड़ित को 0% पर फाइनेंस कर इलाज में होने वाले खर्च के लिए EMI प्रदान करेगी। पहली है जिसमें मृत्यु की बात कर रहे हैं, दूसरा है जो हमारा जो जरूरी अंग है शरीर का, कई बार वो खत्म हो जाता है, वो खराब हो जाता है और हमेशा के लिए आदमी वो हो जाता है, उसका अंग नहीं रहता है, तो वो भी बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है, वो भी बहुत जरूरी है, उसको अगर ब्रेन इंजरी हुई है। आज पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। चारों तरफ जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, तो कुछ इलाकों में PSC तैनात की गई है। जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। रुड़की तहसील परिसर में लेखपाल संघ द्वारा भी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जहाँ गरीबों को लंगर भी बांटा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नीतिका खंडेलवाल शामिल हुई। उन्होंने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।